हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, स्नेह के लिए और आपके शानदार कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसा कि रेनी सीजन चल रहा है तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि रेनी सीज़न चल रहा है, आपने प्लांट की शॉपिंग भी बहुत करी है, मैंने भी बहुत करी है। और फ्रेंड, इसी तरीके से हम कटिंग का काम भी करेंगे, रेनी सीज़न है तो, और करना भी चाहिए। कटिंग से भी हम कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपसे यही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग दो प्रकार से होती है, एक सॉफ्ट कटिंग होती है और एक हार्ड कटिंग होती है, हार्डवुड कटिंग होती है। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट कटिंग के लिए हमारा जैसे ये डहेलिया का प्लांट है, ये छोटी सी टहनी भी हम लगाएंगे, ये सॉफ्ट कटिंग में आएगी। और हार्ड कटिंग के लिए, और फ्रेंड्स हार्ड कटिंग के लिए ये जैसे हमारा बोगनवेलिया का प्लांट है या फिर हिबिस्कस का प्लांट है, ये कुछ हार्डवुड टाइप की कटिंग होगी तो हम यही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग के लिए सबसे पहले हमें जो हम कटर ले रहे हैं उसे हमें अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, तब हमें कटिंग करनी चाहिए। ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है, मैं इसी की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें ये कुछ कटिंग मिल गई है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी है, हमें कटिंग के लिए पेंसिल शेप की कटिंग चाहिए होती है, कम से कम 6 या 7 इंच की कटिंग सबसे बेस्ट रहती है। तो फ्रेंड्स, कुछ हमने इस प्रकार से कटिंग बना ली है, ये आप देख सकते हैं, शार्प कटिंग 45 डिग्री के एंगल से हमने ये कुछ शार्प कटिंग बनानी है। और इसको सबसे पहले हम हल्दी के पानी में, फंजीसाइड पानी में इसको डालना चाहिए 5-7 मिनट के लिए। हम हल्दी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट कटिंग के लिए सबसे बढ़िया रिवर सैंड रहती है, तो हमें इस तरीके से इसको पॉट को भरेंगे। रिवर सैंड हमने पॉट में डाल दिया है, इसके बाद हम इसको पूरे पानी से एक बार पूरा ड्रेन आउट जब हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हार्ड कटिंग के लिए भी हम कुछ इसी प्रकार का मिक्सचर बनाएंगे। ये कोकोपीट है और इसमें कुछ कंपोस्ट मिलाई हुई है। कंपोस्ट हमें ऐसी मिलानी है जो पूरी तरीके से अच्छे से बनी हुई कंपोस्ट हो, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंगस का बहुत ज़्यादा इसमें रहता है और हमारी कटिंग फिर सक्सेसफुली नहीं होगी। और कुछ ये नीम खली है, नीम खली भी इसमें मैं मिलाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कोकोपीट का पॉट भी तैयार कर दिया और इसको भी हम पानी इसमें भर देंगे। पानी पूरा एक बार पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, इसमें पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो गया है और ये हमारा है प्लांट डहेलिया का, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसके लिए हमें कोई लकड़ी की सहायता से कुछ होल करना होगा और इसमें हमें कोई रूटिंग हार्मोन की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक नोड एरिया है इसको हम इसमें रिवर सैंड में इसको दबाएंगे हम इसको। और फ्रेंड्स, ये भी मेरे 5 मिनट हो गए हैं इस कटिंग को भी, इसमें मैंने हल्दी वाले पानी में इसको डीप किया हुआ था और इसको भी हम कुछ इसी प्रकार से हम इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम रूटिंग हार्मोन्स के लिए एलोवेरा जेल का प्रयोग करेंगे, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगा दिया है और ये हम इसको इसमें लगा देंगे। इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है, कोई एयर पॉकेट ना रहे हमारी सॉइल में। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये अभी हफ्ता पहले ही मैंने लगाई थी, 1 वीक हो गया है इसको और नई इसमें लीव्स आनी शुरू हो गई है। और ये भी आप देख सकते हैं बोगनवेलिया, अभी ये भी अभी आप देखने में सूखी टहनियाँ लग रही होंगी लेकिन ये नई इसमें लीव्स आई हैं। फ्रेंड्स कटिंग हमें कुछ 10 से 15 दिन के लिए शेड एरिया में ही रखनी चाहिए, उसके बाद ही हमें थोड़ी सी उसके मॉर्निंग की सनलाइट हम उसको दिखानी चाहिए हमें, तो हमारी इस प्रकार कटिंग जो है बिल्कुल सक्सेसफुली कटिंग लगेगी हमारी। तो फ्रेंड्स यदि हम इस प्रकार से कटिंग लगाएंगे तो हमारी 100% सक्सेसफुली कटिंग सक्सेस होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।